अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। बच्चों, आगे के वीडियो में हमने अनुस्वार, चंद्रबिंदु और विसर्ग के बारे में अभ्यास किया, तो आई होप बच्चों आपको ये अनुस्वार, चंद्रबिंदु और विसर्ग कहाँ लगाया जाता है उसके बारे में पता चल गया होगा। बच्चों, अगर हम अनुस्वार लगाते हैं तो अनुस्वार व्यंजन के ऊपर लगाया जाता है, जिसको हम बिंदी कहते हैं वो अनुस्वार होता है, जो व्यंजन के ऊपर लगाया जाता है और उसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो नाक में से निकलता है और न होता है। फिर चंद्रबिंदु, चंद्रबिंदु आगे के वीडियो में हमने देखा था कि चंद्रबिंदु भी क्या होता है, व्यंजन के ऊपर लगाया जाता है, जैसे चांद, जैसे कुछ शब्द है, अगर हमें यहाँ कुछ शब्द दिया गया है तो हम कैसे लिखेंगे? अगर अंगूठी है, अंगूठी है तो अंगूठी के ऊपर हम चंद्रबिंदु, अ के ऊपर हम चंद्रबिंदु लगाएंगे। इसी तरह हमारे पास अलग अलग शब्द, आगे के वीडियो में हमने अलग अलग शब्द के ऊपर चंद्रबिंदु, अनुस्वार और विसर्ग, विसर्ग क्या होता है बच्चों, हमने आगे के वीडियो में अभ्यास किया, विसर्ग शब्द के पीछे लगाया जाता है और उसका उच्चारण ह जैसा होता है, जिसको हम ह कहते हैं ऐसा उसका उच्चार होता है। तो बच्चों, आपको आई होप आपको अनुस्वार, चंद्रबिंदु और विसर्ग के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब हम बच्चों टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 76 पर लेसन 11 पतंग का अभ्यास करते हैं। तो चलो बच्चों, सबसे पहले हम उसका रीडिंग करते हैं। तो चलो बच्चों, आप भी टेक्स्ट बुक ओपन करो, पेज नंबर 76। पतंग, पतंग ट के ऊपर अनुस्वार लगा हुआ है, जैसे हमने आगे के वीडियो में अनुस्वार के बारे में पढ़ा है। यहाँ पतंग, पतंग में ट के ऊपर क्या लगा हुआ है बच्चों, अनुस्वार लगाया हुआ है। अब हम उसको रीड करते हैं। सर 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 उड़ी पतंग, फर 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 उड़ी पतंग, उस इसको काटा उसको काटा, खूब लगाया सैर सपाटा, अब लड़ने में जुटी पतंग, अरे कट गई लूटी पतंग। सर 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 उड़ी पतंग, फर 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 उड़ी पतंग। तो बच्चों, ये फिर से हम रीड करते हैं, आप भी मेरे साथ रीड करना। सर 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 उड़ी पतंग, फर 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 उड़ी पतंग, इसको काटा उसको काटा, खूब लगाया सैर सपाटा, अब लड़ने में जुटी पतंग, अरे कट गई लूटी पतंग। सर 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 उड़ी पतंग, फर 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 उड़ी पतंग। तो बच्चों, आप भी बहुत अच्छे से उसको रीड करना और उसको अच्छे से लर्न करना। अब देखते हैं हम सर 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 उड़ी पतंग। बच्चों, पतंग कहाँ उड़ती है? आकाश में। कहाँ उड़ती है? ऊंचे ऊंचे आकाश में उड़ती है। बच्चों, हम पतंग जगाते हैं ना, हम पतंग जो फ्लाइंग का, जो मकर संक्रांति का जो फेस्टिवल हो आता है, जिसमें हम जिसको हम काइट फेस्टिवल भी कहते हैं, तो ये जो है जिसको हम काइट कहते हैं इंग्लिश में, उसको हिंदी में क्या कहा जाता है बच्चों? पतंग कहा जाता है, पतंग कहा जाता है। और उसको पतंग को उड़ाने के लिए हमें उसके साथ चरखी का और उसके साथ रस्सी का इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम डोरा कहते हैं, उसका हम इस्तेमाल करते हैं और उसको फिर पतंग के साथ बांधकर उसे अच्छे से हम क्या करते हैं, दूर दूर तक उड़ाते हैं। तो इसी तरह यहाँ भी ये जो पतंग है वो पतंग ऊंचे ऊंचे उड़ रही है, सरसर करती हुई वो ऊंचे आसमान में उड़ रही है। फर 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 उड़ी पतंग, हवा आने की वजह से, हवा आने की वजह से वो कैसे
उड़ रही है, फड़फड़ फड़फड़ उड़ रही है। इसको काटा उसको काटा, खूब लगाया सैर सपाटा। वो ऊंचे ऊंचे क्या कर रही है, उड़ रही है, और उसके साथ आकाश में ऊंचे ऊंचे बहुत सारी पतंगे हैं। तो वो कभी इसको काटती है, कभी उसको काटती है, और पूरे आकाश में पूरे आकाश में वो खूब सैर सपाटा लगाती है। दूर दूर तक वो जाती है, और उनके साथ जो भी आसपास जो पतंगे उड़ रही है उसको काट रही है। अब लड़ने में जुटी पतंग, अब क्या कर रही है, वो लड़ रही है। लड़ रही है यानी ये जो पतंगे होती है एक साथ जो आसमान में जो पतंगे उड़ रही होती है, तो उसको उसके साथ हम क्या करते हैं, पेच लड़ाते हैं। क्या करते हैं बच्चों, पेच लड़ाते हैं। तो ये पेच लड़ाने में जुटी हुई है। पेच लड़ाते लड़ाते वो क्या हो जाती है कट जाती है, और उसको लूट लेते हैं। लूटी पतंग यानी उसको लूट लेते हैं, बच्चे लूट लेते हैं, यानी जो पतंग है वो पतंग दूर दूर तक उड़ती है, और जो दूसरी उसके साथ जो पतंगे होती हैं वो पतंगों को वो क्या करती है, काटती है, दूर दूर तक वो से सपाटा लगाती है। फिर दूसरी पतंगों के साथ लड़ने में वो जुटी हुई है, इसके लिए वो कट जाती है और बच्चे उसको लूट लेते हैं। सर 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 उड़ी पतंग, फर 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 उड़ी पतंग। बच्चों पतंग कैसे उड़ रही है, सर सर कर कर ऊँचे उड़ रही है, और फर फर कर कर पतंग ऊँचे उड़ रही है। तो बच्चों यहाँ हमें जो पतंग है वो कैसे उड़ रही है, क्या कर रही है, और इसके बारे में हमें यहाँ बताया गया है। तो बच्चों आपको भी शौक़ है ना पतंग जगाने का, पतंग उड़ाने का। तो ये जो पतंग है, ये जो बच्चे हैं ये बच्चे क्या करते हैं, पतंग उड़ा रहे हैं, उसको पतंग ऊंचे ऊंचे उड़ा रहे हैं, उसका आनंद ले रहे हैं, उसका मजा ले रहे हैं, उसके बारे में हमें यहाँ बताया है। अब तो बच्चों हम 77 पेज नंबर पर देखते हैं, पेज नंबर 77 पर देखते हैं। पतंग का चित्र बनाओ, बच्चों हमें यहाँ क्या करना है, पतंग का चित्र बनाना है। जैसी पतंग आपको पसंद है ऐसी आप अच्छे से यहाँ ड्रॉ कर सकते हैं और उसमें कलर कर सकते हो। आपको यहाँ पतंग का चित्र बनाना है, अगर उसमें आपको कलर भी करना है तो बच्चों आप बहुत अच्छे से उसमें कलर करना और बहुत अच्छे से आपको पतंग का चित्र बनाना है। अब देखते हैं बच्चों आगे, अब कविता बनाएं। अब हमें क्या करना है, यहाँ कविता बनानी है। सर 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 उड़ी पतंग, हमें यहाँ पहले दिया है कि सर 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 उड़ी पतंग, पतंग सर सर करके उड़ रही है। अब उसके बाद दिया है घंटी बोली, फिर ब्लैंक दिया है। तो अब घंटी की आवाज़ कैसी होती है उसके बारे में हमें यहाँ लिखना है। तो बच्चों घंटी की आवाज़ कैसी होती है, टन 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 टन, टिन 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 टिन, हम ऐसे बोलते हैं ना। अगर उसकी आवाज़ कैसी होती है, टन 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 या टिन 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 टिन, तो हमें यहाँ लिखना है घंटी बोली टिन टिन टिन, और टन 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 भी हम लिख सकते हैं। तो हम बच्चों क्या लिखेंगे, घंटी बोली टिन टिन टिन। अब आगे दिया है उल्टा कपड़ा, उल्टा कपड़ा, फिर उसके बाद हमें ब्लैंक दिया है, खाली जगह दी है, हमें यहाँ लिखना है। तो अगर कपड़ा उड़ रहा है तो उसकी आवाज़ कैसी होती है, सर 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 सर, कैसी होती है, सर 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 सर। अब आगे आगे हमें यहाँ ब्लैंक दिया है और खन 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 लिखा हुआ। तो बच्चों खन खन आवाज़ किसकी होती है, चूड़ी की, किसकी होती है, चूड़ी की, चूड़ियाँ जो होती है उसकी आवाज़ कैसी होती है, खन खन। तो हम क्या लिखेंगे, चूड़ी खन की खन खन खन। तो इसी तरह हम ब्लैंक दी गई है, खाली जगह दी गई है, उसमें कुछ शब्द लिखकर ये कविता को हम पूरी करेंगे। तो चलो बच्चों फिर से ये कविता हम देखते हैं। सर 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 उड़ी पतंग, घंटी बोली टिन टिन टिन,
उल्टा कपड़ा सर सर सर, चूड़ी खन की खन खन खन। तो इसी तरह हमें ब्लैंक में शब्द लिखना है और छोटे छोटे शब्द लिखकर ये कविता को पूरी करना है। तो बच्चों यहाँ हमें कुछ शब्द लिखे हैं जो आगे हमने सीखे हुए अलग अलग मात्रा वाले जो शब्द हैं वो शब्द बना के हमें यहाँ लिखना है। फिर से बच्चों देखते हैं, सर 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 उड़ी पतंग, घंटी बोली टिन टिन टिन, उल्टा कपड़ा सर सर सर, चूड़ी खन की खन खन खन। अब आगे पेज नंबर 78, सोचो और लिखो। बच्चों हमें यहाँ सोचना है और उसके बारे में हमें लिखना है। सबसे पहले दिया है, तुम पतंग के साथ सैर सपाटे पर गई, वहाँ तुमने क्या क्या देखा। अगर तुम पतंग के साथ सैर सपाटे पर गई, वहाँ गए तो आप क्या देखोगे, उसके बारे में हमें यहाँ लिखना है। अगर हम पतंग के साथ जाते हैं तो पतंग ऊँचे उड़ती है, ऊँचे उड़ती है ना बच्चों। तो हम अगर ऊंचाई पर होंगे तो हमें नीचे की जो चीज़ें हैं वो चीज़ें हमें दिखाई देगी, जैसे पेड़ होते हैं, मैदान होता है, खेत होता है, तालाब होता है, बच्चे कभी खेलते हुए दिखाई देते हैं। तो जो हम देखते हैं, जानवर देखते हैं, तो वो ऐसे छोटे छोटे शब्द हमें बनाकर यहाँ लिखना है। बच्चों इसी तरह हम छोटे छोटे शब्द जो आगे हमने अलग अलग मात्राओं वाले जो शब्द सीखे हैं वो शब्द बनाकर हमें यहाँ लिखना है। अगर हम उसमें तालाब लिख सकते हैं, जानवर लिख सकते हैं, पेड़, पौधा, बालक, खेत, मैदान, तो इसी तरह हम अलग अलग शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अलग अलग जो शब्द हैं, छोटे छोटे शब्द हैं, वो शब्द बनाकर यहाँ लिख सकते हैं कि अगर हम पतंग के साथ सैर सपाटे पर जाते हैं तो अभी हमने जो चीज़ें आपको बताई वो हमने देखी। मैं बच्चों क्या लिखेंगे, मैदान लिखेंगे, तालाब लिखेंगे, जानवर, पेड़, बालक, खेत, तालाब, तो इसी तरह अलग अलग हम शब्द यहाँ लिखेंगे। अब आगे देखते हैं, पतंग कटकर कहाँ कहाँ गिर सकती है। बच्चों अगर हम पतंग उड़ाते हैं, वो पतंग ऊँचे उड़ती है और उड़ने के बाद हम उसको पेच लड़ाते हैं और पेच लड़ाते लड़ाते अगर पतंग कट जाती है तो वो पतंग कटकर कहाँ कहाँ गिर सकती है, कहाँ कहाँ जा सकती है, उसके बारे में हमें लिखना है। तो बच्चों अगर वो पतंग कट जाती है तो वो कहाँ कहाँ जाती है, कहाँ जाती है बच्चों, कभी मैदान में गिरती है, कभी सड़क पर चली जाती है, कभी उसको बच्चे पकड़ लेते हैं, है ना बच्चे, कभी बच्चे पतंग को लूटते होते तो वो कभी कभी बच्चे क्या करते उस पतंग को पकड़ लेते हैं, वो कभी मैदान में गिरती है ना, कभी छत पर गिर जाती है, घर की जो छत होती है वो छत पर भी गिर जाती है, वो अलग अलग जगह पर पतंग कटकर अलग अलग जगहों पर गिर सकती है। तो उसके बारे में हमें यहाँ लिखना है कि अगर घर पतंग कटकर गिरती है तो वो घर के छत पर भी गिर सकती है, पेड़ के साथ लटक सकती है, मैदान में वो गिर सकती है, सड़क पर भी जा सकती है, अगर बच्चे भी उसको लूटते हैं तो बच्चे भी उसको पकड़ लेते हैं। तो इसी तरह पतंग कटकर कहाँ कहाँ जाती है उसके बारे में हमें यहाँ लिखना है। तो बच्चों इसी तरह ये जो लेसन 11 पतंग, पतंग जिसको हम काइट कहते हैं, ये जो पतंग है वो पतंग कैसे उड़ती है, वो कहाँ कहाँ गिरती है, अगर हम उसके साथ जाते हैं तो हमें कौन कौन सी चीज़ें दिखाई देती है, तो उसके बारे में हमें यहाँ लिखना है। आई होप बच्चों आपको जो ये पतंग है वो पतंग के बारे में बहुत अच्छे से आपको जानकारी प्राप्त हुई होगी। ये जो पतंग है वैसे तो हम उसको खेल उसके उसको हम क्या करते हैं बच्चों, उसको हम उड़ाते हैं, बहुत अच्छे से उड़ाते हैं और उसके साथ हम बहुत अच्छे से खेल भी लगाते हैं, पतंग का खेल लगाते हैं और दोस्तों में उसका पेच लड़ाते हैं
और वो कट जाती है तो कभी हम चिल्लाते हैं, उसका आनंद ले रहे होते हैं, उसका मजा ले रहे होते हैं। तो ये जो पतंग है, ये पतंग में हमें यही बात बताई गई है। तो बच्चों, आई होप आपको ये लेसन 11 पतंग अच्छे से समझ में आ गया होगा, जिसमें हमें अनुस्वार, जो आगे के वीडियो हमें हमने सीखा था, वो अनुस्वार यहाँ हमें फिर से सीखने को मिला है। पतंग, पतंग में त के ऊपर हम क्या लगाते हैं, अनुस्वार लगाते हैं। तो आई होप बच्चों आपको लेसन 11 पतंग अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू, धन्यवाद।